हाय हेलो माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास एट। डियर स्टूडेंट्स, दिस वीडियो इज मूविंग टूवर्ड्स यू अबाउट द समर वेकेशन हॉलीडे होमवर्क ऑफ साइंस। डियर स्टूडेंट्स, द वर्क गिवन टू यू इन द सब्जेक्ट ऑफ साइंस इज रिटेन ओरल रिटेन प्रोजेक्ट and self search homework. My dear students of class 8, in the oral section, let us see, in the oral section of science, that I would like to highlight here, that number one, learn all the sample questions of along the NCERT exercise of chapter 1. तो आपको chapter 1 में सारे NCERT questions को learn करने हैं। Number 2, learn the sample question and NCERT exercise of chapter 2. तो chapter 2 में क्या करना है आपको? Chapter 2 में NCERT exercise के जो sample question है वो learn करने हैं। और नंबर 3 पे क्या है? लर्न द सैंपल क्वेश्चन एंड एनसीईआरटी एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 3। तो आपको चैप्टर 1, 2, 3 में एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस जो है वो लर्न करनी है। और बच्चों, नंबर 4 पे है जो ओरल में, दैट यू हैव टू लर्न द ग्लॉसरी ऑफ चैप्टर 1। तो चैप्टर 1 में आपको क्या करना है? आपको ग्लॉसरी लर्न करनी है। साथ ही साथ ये देखिए, ये 3 लर्निंग है आपको एनसीईआरटी क्वेश्चंस की, और चैप्टर 1 का आपको ग्लॉसरी लर्न करनी है 1, 2, 3 फ्रॉम बुक पेज नंबर 326। तो पेज नंबर 326 पे जो दिया हुआ है 1, 2, 3 ग्लॉसरी लर्न करनी है आपको चैप्टर 1, 2, 3 का। ये तो हो गया बच्चों ओरल। एंड नाउ कम टू द रिटन सेक्शन। द रिटन सेक्शन इज द राइट द ग्लॉसरी ऑफ चैप्टर 1, 2, 3 फ्रॉम बुक पेज नंबर 326 इन SVSW। जो आप लर्न करेंगे ऊपर ओरल में उसी को आप लिखेंगे ग्लॉसरी को चैप्टर 1, 2, 3 का। और राइट द ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस फ्रॉम चैप्टर 1, 2, 3, 1 से लेकर 3 चैप्टर तक SVSW कॉपी में लिखेंगे आप, एंड दैट विल बी द ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस। एंड थर्ड, दैट इज द यू हैव टू राइट द वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस फ्रॉम चैप्टर 1, 2, 3 इन योर SVSW। तो चैप्टर 1, 2, 3 का आप SVSW कॉपी में क्या करेंगे? वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो होंगे वो लिखेंगे। और नंबर 4 पे क्या है? राइट द शॉर्ट आंसर क्वेश्चन फ्रॉम चैप्टर 1, 2, 3। तो चैप्टर 1, 2, 3 से ही आपको सारे करने हैं। SVSW में वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन को आपको लिखने हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को भी लिखने हैं चैप्टर 1 से लेकर 3 तक, और ग्लॉसरी भी लिखनी है आपको चैप्टर 1, 2, 3 तक। तो जो आपको लर्न करना है वही लिखना भी है। ऑलमोस्ट लर्निंग में बस ये कि NCERT क्वेश्चन लर्न करने हैं आपको। अब बच्चों आते हैं, वी आर कमिंग ऑन द प्रोजेक्ट वर्क, प्रोजेक्ट एंड एक्टिविटी वर्क दैट यू हैव टू डू इन योर दिस समर वेकेशन। एंड द प्रोजेक्ट वर्क इज द ड्रा द चार्ट ऑफ द स्टेप्स ऑफ एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेज इन द ऑन द चार्ट पेपर। तो बच्चों चार्ट पेपर के ऊपर आपको एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेज के जितने स्टेप्स हैं, जैसे कि प्लॉइंग, प्रिपरेशन ऑफ क्रॉप फील्ड, प्लॉइंग, विनोइंग, इरीगेशन, सारे जो स्टेप्स हैं उनको आपको चार्ट पेपर फ्लो चार्ट बनाना है। नंबर सेकेंड पर ड्रा द फिगर एंड फिगर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ द बैक्टीरिया एंड एल्गी ऑन चार्ट पेपर। जितने टाइप के बैक्टीरिया और एल्गी होते हैं वो चार्ट पेपर पर बनाने हैं। तीसरा है राइट अबाउट द नाइट्रोजन साइकिल इन द एलॉन्ग इट्स फिगर इन ए फाइल प्रोजेक्ट। तो ये है आपको फाइल प्रोजेक्ट के ऊपर फिगर बनाने हैं नाइट्रोजन साइकिल का। तो नाइट्रोजन साइकिल का आपको फाइल प्रोजेक्ट बनाना है। और चौथा है राइट द एक्टिविटी इन द फाइल दैट शो द ईस्ट प्रोड्यूसर एल्कोहल
एक एक्टिविटी आपको फाइल बनानी है जिससे कि आपको ये दिखा सकें कि ईस्ट कैसे एल्कोहल बनाता है, ईस्ट से कैसे एल्कोहल बनता है, हाउ ईस्ट इज यूजफुल इन द एल्कोहल इंडस्ट्री। एंड सेल्फ सर्च होम में आपको ये देखना है बच्चों, राइट समथिंग अबाउट द पेंडेमिक कंडीशन दैट इज गोइंग ऑन, इट्स कॉजेज, इट्स ओरिजिन, पासिंग थ्रू और ये आपको इस जो पेंडेमिक चल रहा है COVID-19, इस पेंडेमिक के ऊपर पूरा आपको डिटेल लिखना है। और दूसरा, विच टेस्ट इट इज डिटेक्टेड, कौन सा टेस्ट इसको डिटेक्ट करता है, इट प्रिकॉशंस, इसमें कौन सी सावधानियां हैं, एंड इट्स सिम्टम्स, इसके क्या क्या लक्षण हैं। यू कैन टेक द हेल्प ऑफ एनी ऑफ आउटसोर्स, किसी भी आउटसोर्स का आप इसमें हेल्प ले सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये आपका होमवर्क, समर वेकेशन होमवर्क है साइंस का, क्लास 8 का। तो आप इसको ध्यानपूर्वक करिए एंड एंजॉय द समर वेकेशन। सो थैंक यू वेरी मच बच्चों, थैंक यू।